एंड ये वाले साइड से सुपर मिनियन के साथ यहाँ पे चालू हो जाएंगे हम लोग, मतलब अटैक करेंगे। सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस बार गाइस ये जो वीडियो है ना, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वो क्या है, सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अभी। और आपको पता है गाइस, ये जो न्यू वार्डन आया ना, इसकी जो वीडियो क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने अपलोड की है, वो वाली वीडियो में एक चीज़ है, क्या आपने नोटिस की है? शायद कई लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता होगा, और वो मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस देखो, टाउन हॉल 14 पे इतने सारे अपडेट्स हमको, मतलब अभी रिसेंटली में देखने को मिला यहाँ पे न्यू टाउन हॉल 14, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें मिसिंग लगी। क्या मिसिंग लगी? देखो, टाउन हॉल 14 पे सारे डिफेंसेस के हमको अपग्रेड्स नहीं देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ स्कैटर शॉट देखने को मिला, और फिर उसके बाद यहाँ पे कैनन, और उसके साथ यहाँ पे ये जो बिल्डर हट का जो ये है ना, क्या इसे बोलते, यही बिल्डर हट का ही अपग्रेड्स। और भाई अभी तो ताकतवर एकदम मिनी एक्सबो टाइप हो गए, मिनी से भी मिनी वाले, लेकिन बहुत पावरफुल है। और उसके साथ आर्टिलरी की भी हमको न्यू लेवल देखने को मिली, लेकिन हमको आर्चर टावर, कैनन और विजार्ड टावर, और भी शायद कुछ बचे होंगे, उनकी हमको न्यू लेवल देखने को नहीं मिली। तो आपको पता है गाइस, ये जो वीडियो उन्होंने ग्रैंड वार्डन का, ये जो स्किन की जो वीडियो अपलोड की है क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने, उसमें साफ साफ हिंट दिया गया है कि हमको न्यू लेवल्स आने वाले। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, न्यू लेवल ऑफ विजार्ड टावर, न्यू लेवल ऑफ आर्चर टावर एंड ऑल्सो न्यू लेवल ऑफ एयर डिफेंस। भाई देखो, ये तीन चीज़ें यहाँ पे मेन हमको तीन चीज़ों की लेवल देखने को मिली है। तो ऑफकोर्स सी चीज़ें हैं कि हमको ना ट्रूप्स के न्यू लेवल देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग और भी बात करेंगे, पूरा एंड तक वैसे बात ही करेंगे, और उसके साथ ना हम लोग अटैक भी करने वाले। देखो, सुपर मिनियन वाली एकदम क्रेजी इम्पॉसिबल स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैंने एक ट्रेन की है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अटैक करके। तो वीडियो गाइस ना ये प्लीज़ पूरी एंड तक देखना, और देखते हैं अभी ये अटैक्स भी कैसे होने वाले, और उसके साथ ही मुझे करने हैं अपग्रेड्स, भाई ढेरों अपग्रेड्स करने हैं। और मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, देखो अपडेट्स के बारे में मैं आपको और भी बताता हूँ। तो उससे पहले ना बस कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अपग्रेड करते हैं, और उसके साथ ना यार अभी बातें करते हैं अपग्रेड्स की। आपको पता है अभी आने वाला है, बस अपडेट पता नहीं अभी कब आए, वो डेट के बारे में अगर हम गेस करें तो शायद मई या फिर जून में तो चल रहा है, अभी मई में आ सकता है क्या, फिर जून में, तो जून में पॉसिबिलिटी है। और गाइस यहाँ पे देख लो, एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना सीसी को अपग्रेड करना है, क्योंकि फिर मैं एक्स्ट्रा स्पेल ले पाऊँगा। और भाई आप लोग सोचते रहोगे कि यार सीसी को क्यों अभी तक अपग्रेड नहीं किया, तो वो एक्चुअली मैं अभी करने वाला हूँ। और एक थोड़ा गाइस सीन है एक्चुअली यहाँ पे, ये देख लो, मुझे क्लैन गेम्स के रिवॉर्ड भी कलेक्ट करने हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरे को यहाँ पे गोल्ड स्टोरेज है ना, वो भी यहाँ पे इनफ नहीं है कि मैं यहाँ पे सीसी को अपग्रेड कर पाऊँ। ओ भाई, मुझे इतनी तगड़ी आर्मी से अटैक करना है, तो सीसी तो मुझे यहाँ पे फटाफट अपग्रेड करना पड़ेगा। और वैसे चलो अभी फटाफट कर लेते हैं, ये देखो, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले बुक ऑफ बिल्डिंग को, और गोल्ड स्टोरेज के ऊपर एक्चुअली बुक ऑफ बिल्डिंग को यूज़ करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको करना पड़ेगा। और यहाँ पे है, ओ भाई मुझे ये चाहिए, पावर पोशन चाहिए, तो एक पावर पोशन यहाँ पे गाइस हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर वहाँ से हम लोग पावर पोशन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अटैक के लिए चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गो गाइस, फटाफट से करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अटैक करके दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे कैसा अटैक होने वाला है। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलिक्सर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई डोंट थिंक सो, अच्छा ओके यहाँ पे है, तो ले लेते हैं यहाँ पे एलिक्सर, हमको मिल जाएगा एलिक्सर, ऐसे कलेक्ट करते हैं, बिल्डर पोशन ले लेते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ से हम लोग ले लेंगे बुक ऑफ बिल्डिंग को। सो चलो गाइस लेट्स गो, फटाफट यहाँ पे रिवॉर्ड्स हो चुके कलेक्ट, एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अभी हम लोग करेंगे इसे अपग्रेड, तो इसे मैं कर देता हूँ बुक ऑफ बिल्डिंग से फिनिश, लेट्स गो। एंड यहाँ पे गोल्ड स्टोरेज हो चुका फिनिश, एंड देन हम लोग यहाँ से फटाफट से यहाँ पे अपग्रेड करेंगे सीसी को। तो यहाँ पे हम लोग ना सीसी का जो ट्रेजरी है वहाँ से गोल्ड कलेक्ट करते हैं, एंड ये चलो हो गया गोल्ड कलेक्ट, और उसी के साथ गाइस यहाँ पे हम लोग सीसी को कर देते हैं अपग्रेड, ओके लेट्स गो, और इसे फटाफट हम लोग फिनिश कर देंगे बुक ऑफ एवरीथिंग से। ओके सो ये रहा, यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया, और वो भाई साहब यहाँ पे गोल्ड जीरो, एकदम जीरो हो गया, तो इसे भी हम फटाफट से ये कर लेंगे यूज़, क्योंकि अच्छा ओके रुको, यहाँ पे हमको अटैक के लिए तो चाहिए, सर्च के लिए वो तो हो जाएगा, तो चलो अभी फटाफट ना अटैक करके आता हूँ, और सीसी में एक स्पेल लेता हूँ, और फटाफट से चलते हैं अटैक की तरफ। और फिर उसके बाद गाइस एक इंपॉर्टेंट आपको मैं अपडेट के बारे में और भी डिटेल्स बताने वाला हूँ थोड़ी, तो बस ये एक अटैक कर लेते, फिर उसके बाद बातें करते, तो चलो गाइस फटाफट से एक बेस लेके आता हूँ। ओ माई गॉड गाइस, यहाँ पर ये जो बेस मिला है,
बेस पर ना लूट देख के मैं इसे स्कीप नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं अटैक करने वाला हूँ। एंड हाँ गाइस, देखो ये वाला बेस टाउनल 14 का हालांकि गंदा और घटिया बेस है सबसे एकदम, लेकिन इसके बाद वाला हम लोग अच्छे बेस पर अटैक करेंगे। एंड लेकिन भाई ये बेस तो पहले 3 स्टार हो जाए, तो चलो अभी देखते गाइस यहाँ पे मैं इस पर कूदने वाला हूँ लूट देख के, और चलो भाई देखेंगे अभी क्या होगा इसके ऊपर। एंड मल्टी टारगेट इन्फर्नो तो है ही नहीं भाई, मज़ा आ गया, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो चलो अभी अटैक करके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एंड यहाँ से पहले मैं किंग क्वीन से स्टार्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पर एक सुपर मिनियन पर पहले डाल देता हूँ। फनल वनल बना ले यार, फनल वनल बनाएंगे ना तब बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे हमारा इस अटैक में। और ये देखो ये स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, हल्के में मत लो इसे। और पहली बता रहा हूँ आपको, एक बलून क्यों मैंने नहीं डाला, तो चलो यहाँ पे डाल देते। उसके साथ यहाँ पर आएगी एक रेड स्पेल, रेड स्पेल के साथ यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी, और एबिलिटी के साथ यहाँ पर डाल देते ब्लिम्प को। एक्चुअली ब्लिम्प के अंदर आनी चाहिए थी एबिलिटी, बट चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और यहाँ पे रेड स्पेल, और इस बेस का कचरा हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे इस बेस के ऊपर, पहली बता रहा हूँ आपको। और देखते हैं अभी, वैसे होना तो चाहिए, पहले हुआ नहीं है ना अब तक, तो होने से पहले मैं यहाँ पे कैसे बोल सकता हूँ कि कचरा हो गया, कहीं मेरा कचरा ना हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे गाइस कैसा होता है यहाँ पे अटैक हमारा। एंड चल रहा है यहाँ पे धीरे 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 करके अटैक आगे बढ़ रहा है। और अब मैं यहाँ से डालने वाला हूँ हमारे सारे के सारे बैट स्पेल्स। तो यहाँ से गाइस बैटिंग हो चुकी है स्टार्ट, और हमारे पास एबिलिटी गाइस बहुत सारी चीज़ों की बची है, और मेरी खुद की एबिलिटी भी बाकी है। अरे क्या सिंगल इन्फर्नो भाई क्या कर रहा है, कहीं डूब जा मर के, कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे मेरी आर्मी का। और ये देखो गाइस कितनी स्पेल स्वैग हो गई, देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देख लो एकदम, 3 स्पेल स्वैग हमने करके यहाँ पे इस बेस के ऊपर कर दिया है 3 स्टार। तो सोचो गाइस क्या हम लोग, देखो अभी ये आर्मी से तो हमने कर दिया इसके ऊपर, लेकिन अगर एक तगड़े बेस के ऊपर अगर हम अटैक करेंगे तो क्या उस पर काम कर पाएगी, ये तो भाई पता चल जाएगा जब मैं अटैक करूंगा। तो ये गाइस हो गया 1 मिलियन की लूट, और वापस से यहाँ पे मेरा एलिक्सर है वो फुल हो गया। और गाइस यहाँ पे अटैक पर जाने से पहले मैंने एक्चुअली यहाँ पे ये जो अपना लस्सी भाई है, और लस्सी भाई के ऊपर एक्चुअली एक फनी वीडियो हुआ था लास्ट टाइम, जो कि मेरे को एक बॉक्स आया था सुपर सेल की तरफ से, और वो बॉक्स की मैंने अनबॉक्सिंग की बहुत अजीब वो गरीब तरीके से। तो गाइस वो वीडियो देख लेना, इस वीडियो के पहले वाला वीडियो है, ज़रूर आपको पसंद आएगा, प्लीज़ देख लो। और उसके साथ ही गाइस एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, RS Clash के साथ हम लोग आज करने वाले लाइव स्ट्रीम 2 बजे ट्रोजन वॉर की, ज़रूर आना अगर आपको खेलना है ट्रोजन वॉर, तो मेक श्योर गाइस ज़रूर आ जाओ आप लोग। और उसके साथ गाइस यहाँ पर अभी हम लोग करने वाले एक और अटैक के साथ गाइस ना अपडेट का मैं आपको बस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक दो चीज़ें हैं जो कि मेरे जहन में है। तो चलो भाई यहाँ पे कर लेते हैं अटैक फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे हमारा बूस्ट भी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ये पावर पोशन और हीरो पोशन भी यहाँ पे मैंने लगा दिया दाव पे। तो बोला चलो देखते हैं अभी कैसा होने वाला अटैक, और एक अच्छे बेस के ऊपर करते हैं इस बार, इजी बेस नहीं लेंगे, और इस बार लूट भी नहीं देखेंगे, हार्ड बेस देखेंगे। चलो भाई अभी करते हैं अटैक फटाफट। ओके सो गाइस यहाँ पे हमको फाइनली टाउन हॉल 14 का बेस, भाई यार हर एक बेस पे टाउन हॉल अपग्रेड पे, तो चलो यहाँ पे फाइनली ये वाला मिला है। एंड अभी देखते हैं कि इस पे हम कैसे कर पाएंगे अटैक, एंड यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चलो अभी पता लग जाएगा भाई यहाँ पे कैसे होगा। एंड इस साइड से हम लोग किंग और क्वीन से फनल करेंगे और अंदर भेजेंगे यहाँ पर किंग क्वीन को, और उसके साथ यहाँ पर चलो यहाँ से अंदर तो चले जाएंगे। एंड ये वाले साइड से सुपर मिनियन के साथ यहाँ पे चालू हो जाएंगे हम लोग, मतलब अटैक करेंगे। सो लेट्स गो, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला। ओ शिट भाई यहाँ पर ये बाहर आ चुका मेरा, मतलब किंग अंदर है, लेकिन यहाँ पे आइस गोलेम अलग डायरेक्शन में आ गया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे अभी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे इस बेस पे क्या ये आर्मी काम करेगी। और एक्चुअली मुझे पता है कि स्कैटर शॉट्स तो अपग्रेडेड नहीं है एक्चुअली इस बेस के ऊपर, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग वार्डन की एबिलिटी थोड़ी जल्दी यहाँ पे यूज़ करी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं पे खतरा, एक यहाँ पे फ्री स्पेल यूज़ कर लेते ताकि ये जो क्या इसे बोलते हैं ये यहाँ पे पहुँच पाए ब्लिम्प यहाँ पे टाउन हॉल की तरफ। एंड फिर यहाँ पे हमारे पास बैट स्पेल्स हैं, और यहाँ पे अभी तक हमने ये भी डिप्लॉय नहीं किया, क्या इसे बोलते हैं हमारा ये रॉयल चैम्पियन, और चलो यहाँ से हमने रॉयल चैम्पियन भी डाल दिया। सो गाइस यहाँ पे चलो देखते भाई क्या होने वाला है यहाँ पे इस बेस के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है ट्रिपल, मुझे ऐसा थोड़ा फील हो रहा है कि होना तो चाहिए। एंड देखते हैं अब यहाँ से मैं डाल देता हूँ सारे के सारे बैट स्पेल्स, ये चलो सारे के सारे बैट स्पेल्स यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से एक्चुअली मैं डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी। और ओ माई गॉड
दिस बेस इज क्रस्ट लिटरली. ओ वेट 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 स्कैम. ओ भाई साहब स्कैम कर दिया यहाँ पे गाइस मैंने एक लास्ट मोमेंट पे. एंड क्या ये बेस बच पाएगा? रुको अभी देखते क्या होगा. ओ भाई साहब ये क्या कर दिया मैंने, फ्री स्पेल बच गई. ओ शिट मुझे लग रहा है अभी अटैक फेल है. एंड एंड मोमेंट पे गाइस यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दी और फ्री स्पेल यहाँ पे नहीं डाली. ओह गाइस क्या ही बताओ गाइस अभी आपको यहाँ पे लास्ट मोमेंट पर यहाँ पे ये 3-star अटैक. एंड देखो एक मैंने यहाँ पे ना एक्चुअली फ्री स्पेल यहाँ पे मैंने थोड़ी लेट कर दी एंड सोचा कि अटैक हो जाएगा 3-star, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लोज, एकदम पूरा इतना क्लोज था अटैक और हमने कर लिया 3-star. और एक्चुअली ये एकदम ना ओपी तरीके से भी हो सकता था अगर मैं यहाँ पे एक फ्री स्पेल यूज़ कर लेता, वहाँ पर मेरे सारे के सारे बैट्स मर गए. तो ये गलती बस आप लोग मत करना जो मैंने यहाँ पे किए, जो कि यहाँ पे एंडिंग में यहाँ पे अभी आप देख लो अटैक में. और हाँ गाइस अपडेट के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो जब यहाँ पे न्यू लेवल आते हैं डिफेंसेस के तो पक्का हमको यहाँ पे न्यू लेवल के ट्रूप्स भी हमको देखने को मिलेंगे. सो गाइस वो ट्रूप्स कौन से हो सकते हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर यहाँ पे एयर डिफेंस को यहाँ पे एक न्यू लेवल दिया जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक एयर ट्रूप का हमको न्यू लेवल देखने को मिल सकता है. तो क्या हमको न्यू लेवल के इलेक्ट्रो ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे? क्या लगता है आपको भाई? लेवल 5 के इलेक्ट्रो ड्रैगन्स अगर यहाँ पे आ गए ना तो भाई एकदम पगला जाए, मतलब एकदम क्या बोलूँ अभी मैं आपको भाई, बेस की तो ऐसी की तैसी लगा देंगे. एंड आपने देखा कि यहाँ पे जो एंड मोमेंट पे एकदम क्लोज था और बस एक मेरे पास इतने सारे फ्रीज बचे थे, लेकिन मैंने एक्चुअली वो मतलब मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा था अटैक 3-star होने के चक्कर में, लेकिन बहुत जाके क्लोज हुआ. सो गाइस ये थी वीडियो. एंड और अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमको एक्सबो के भी लेवल मिल सकते हैं न्यू लेवल्स. एंड क्योंकि यहाँ पे देखो अभी एक्सबो ही बचा है और यहाँ पे एयर स्वीपर भी बचा हुआ है, तो एयर स्वीपर का भी हमको मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलना पॉसिबल है. ठीक है तो और भी गाइस जैसे कि जैसे ही चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चलती है वैसे मैं आपको ज़रूर अपडेट दे दूंगा. एंड न्यू सुपर ट्रूप्स के बारे में मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि अभी न्यू सुपर ट्रूप्स आ सकते हैं, कोई ऐसा पॉसिबिलिटीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है. एंड हाँ गाइस जैसे ही मुझे पता चलता है कुछ अपडेट और आते हैं तो वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. सो इस वीडियो अभी यहाँ पे एंड कर दें. अगर आप नए हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना. अगर आपको ये अटैक्स और ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हाँ गाइस अभी रेगुलर स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करूंगा तो उसके लिए बेल आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर प्रेस करके रखो. तो इसमें मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.